ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी है। मुश्किल से आंसू पोंछ अपने युद्ध भूमि में उसने भेजा था, डरती थी खोने से उसको क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर चीनी सेना के साथ हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 20 जवान शहादत का जाम पी गए, जिनमें से 4 जवान पंजाब से संबंधित थे और उन 4 जवानों में एक जवान शहीद सतनाम सिंह जिला गुरदासपुर के गांव भोजराज का रहने वाला था। शहीद सतनाम सिंह आर्मी की आरटी रेजिमेंट में तैनात था। सतनाम सिंह की शहादत के बारे में पता चलते ही कस्बे में रहने वाले हर व्यक्ति की आंख नम और माहौल गमगीन दिखाई दिया। वहीं शहीद सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गाँव भोजराज में पहुँचा और राजकीय सम्मानों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को मुखागन उनके 16 वर्षीय बेटे ब्रभजोत सिंह और छोटे भाई सूबेदार सुखचैन ने दिखाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, जिला परिषद चेयरमैन रविनंदन सिंह, सुच्चा सिंह छोटेपुर, आप पार्टी के नेता शेरी कलसी और डॉक्टर कवलजीत सिंह समेत जिला प्रशासनिक अधिकारी द्वारा शहीद सतनाम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मेरा पुत्त बहुत मान है अपने बच्चे दे। मेरा पुत्त तो चढ़दी कला वाला है, देश वास्ते। मेरा पुत्त 24 साल सेवा करके फिर देश वास्ते रह गया। उत्थे मेरा पुत्त शहीदियाँ पा गया। मेरे पुत्र ने शहीदियाँ प्यारियाँ लग गई, किसी ने कुछ सोचा माँ प्यो का शहीद हो गया मेरा पुत्त। मैंने एक गल का कोई दुख नहीं, मैंने मेरे पुत्त बाद कि संगत आई आ। मेरा पुत्त शहीद होया, मेरा पुत्त मरिया नहीं। साडे नाल देश नाल ज़्यादा प्यार किया मेरे पुत्त ने। मैंने इस गल की बड़ी खुशी आ। मैं माँ जन्म दिता है शेर पुत्त न, शेर पुत जमया मैं देस वास्ते। बाबे घूमने वाले को लिया ही, बाबे ने आख्या चढ़दी कला वाला योद्धा महाराज सच्चे पातशाह दी चढ़दी कला रखी। वहीं कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हमेशा ही हिंदुस्तान की पीठ पर वार किया है, जो कायरता की निशानी है। वहीं उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार के साथ पंजाब सरकार हमेशा ही खड़ी रहेगी और पंजाब सरकार की तरफ से शहीद के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और सरकार की तरफ से 12 लाख रुपए की माली मदद की जाएगी और शहीद की याद में एक गेट भी बनवाया जाएगा। वहीं जिला परिषद चेयरमैन रविनंदन सिंह ने शहीद की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि जो देश के खातिर शहीद होते हैं उनको भुलाया नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने कहा कि जिला प्रशासन शहीद के परिवार की हर सहायता के लिए उनके साथ खड़ा है और शहीद सतनाम सिंह के परिवार की जो भी मांगे हैं वह पूरी की जाएंगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। बहुत जड़ी गल की थे कि पहला पाकिस्तान थी और चाइना ने हमेशा ही साढ़े देश से बुरी नज़र ही रखी है और आ जड़ी जी तुम गल की थी है कि हमेशा ही जिते भी जो भी कुरबानी आई है गुरदासपुर जिले की हमेशा मोरी पंजाब ते गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट रहा। चाइना वाले ने जोड़ा पिठ पिछे वार किया ये कभी भी हिंदुस्तानी नहीं भुलेगा, खास करके पंजाबियों कि सुरमे का कम होता कि सामने आके ललकार के करे तो पिठ पिछे वार करना ये कायरता की निशानी है। साडा भरा सतनाम सिंह सूबेदार नायब सूबेदार उसका छोटा भरा भी जो सूबेदार है आर्मी से जो परिवार है जिन्होंने दोनों बेटे अपने आर्मी दे के अपनी एड्डी वड्डी कुरबानी जी इस परिवार की है एक कदी भी शहीद है, देश का ही शहीद है। अज असी इस पिंड आए हाँ, आए तो दुख मंडाउण सीगे पर पिंड के जज्बात पिंड वालों के वेख के परिवार वालों के वेख के हौसला देन आए सां, पर इन्हां को हौसला लैके चले हाँ। जिवें इस परिवार ने इस चीज़ नूं इस शहीदी नूं अपनाया आ, असी सारे इत्थों सीख के चले हाँ। शहीदी का जज्बा थोड़ा थोड़ा असी भी अपने घरां नूं लैके चले हाँ। तो सतनाम सिंह अज देश लई शहीद हो के इस भुजराज पिंड का नाँ छोटे नाँ नूं पूरे मुल्क जिड्डा वड्डा कर गया। अज उसका अज इस पिंड का नाँ सतनाम सिंह हर देशवासी के नाँ ते छाप गया। बाकी जी तुसीं गल कीती है भी चीन भी हुण करन लग पिया, मंदभागा जी भी गुआंढी गुआंढी नाल लड़े
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।